गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि फिलहाल टाइम हो चुका है 9:30 का और ठीक है, और 9:30 का हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ, नहा धो लिया है। और ये जो ये श्री कृष्ण आप देख सकते हो, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की है। ये तो ये एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको थोड़ा पढ़ रही थी आजकल मैं, तो चिकू ने ली है भी। ये बैठ जाओ, और तो इस चीज को पढ़ रहा है, इसको पढ़ना नहीं आता, मतलब ऐसे देख रहा है, उसमें वो क्या कहते हैं चित्र वगैरह बने रहते हैं ना, उनको देखता है। तो फिलहाल बस यही है, अभी रहा क्या चार्ज है। और तो फिलहाल यहाँ पे अब पूछे की तैयारी चल रही है। देखो वाइपर अंदर आ चुका है और यहाँ पे पोछे की बाल्टी है, अभी गर्म कर रही हूँ पानी, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद देखती हूँ क्या करूँ। अभी नाश्ता भी कुछ नहीं किया है, कुछ ना बनाया है, क्योंकि आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और तबीयत क्यों ठीक नहीं है, ऐसी नहीं है तबीयत ठीक बस, और इसीलिए बस। और क्या कहते हैं, फिलहाल अभी करती हूँ काम, अभी तक एक बार भी चाय नहीं पी है, तो फिलहाल करती हूँ। आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, बट अब नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था, सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ता है बिना कुछ खाए, 9 या 10 बजे करीब। लेकिन अभी टाइम तो नहीं हुआ है, टाइम 9:30 का हुआ है, लेकिन मैं नहीं जा रही, क्योंकि मैंने बाल वॉश किए हैं और नहाया है, और अगर मैं बाइक या स्कूटी में गई ना तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं सोचती हूँ कल निकलते हैं। तो आज चीकू भी नहलाऊँगी, चीकू भी नहीं नहलाया मैंने, काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए आज चीकू भी नहलाऊँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। चीकू को नहाना है, चीकू आ जा नहाने, चीकू को ठंडा लग रहा है, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, पता है बाहर बहुत ठंड है, बहुत है ना। मैं अभी वाली चप्पल पहन लो, मेरी वाली ये वाली गर्म चप्पल, देखो मेरी चप्पल आई है, ये नहलाऊंगी तो गीली हो जाएंगी ना। चीकू, तो दोस्तों चीकू मैं यहाँ पे नहला के लाई, देखो मैंने उसके सारे कपड़े निकाल रखे हैं, ये इनर वगैरह सब कुछ, और चीकू बाहर नहीं निकल रहा। देखो चीकू बाहर निकल, क्यों बाहर आ, मेरा बुच्चू आ जा, डर डर किस बात की, आ जा आ बाहर आ, आ जा बाहर आ जा, मेरा गुजू मेरा राजा, तू नींदी कर रहा है यहाँ। कुकू आ जा यार बाहर आ जा बेटा, मेरे बाबू अच्छा है। कुकू देखो सारे कपड़े रखे हुए हैं और ये यहाँ घुसा हुआ है बेचारी। देखो तो अब मैं इसका फटाफट दूध गर्म करती हूँ जायफल वाला, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि जायफल का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। आज मैं नहा रखा, उससे क्या होती है गर्माहट अंदर से होती है, तो गर्माहट मिलती है इसीलिए, तो मैं इसको फटाफट पिलाती हूँ। तो पहले मैं इसका दूध गर्म करती हूँ, तो आप थोड़ा सा अपना रिलैक्स होता है, थोड़ा सही हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको लगाऊंगी सरसों का तेल। बच्चों के बॉडी में ना लोशन वोशन जो हम लगाते हैं ना, कुछ भी नहीं होता है, सरसों का तेल लगाइए, सबसे बेस्ट है, मैं सच्ची कह रही हूँ, सबसे बेस्ट है सरसों का तेल। जब हम लोग छोटे होता हुआ करते थे, हमको तो कॉल नहीं लगाता था, उस टाइम पर इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन हमारे टाइम पे जो भी है सरसों का तेल ही लगता था। अब तो ये लोशन वो लोशन, लोशन बहुत ठंडा भी होता है, और ऊपर से बच्चों की स्किन थोड़ी थोड़ी देर में ना वो एकदम क्या बोलते हैं उसको नाम, खुश्क होने लग जाती है। इससे अच्छा सरसों का तेल लगाओगे ना तो बिल्कुल भी खुश्क नहीं होती है, और बहुत अच्छी होती है। हमेशा मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, इसके सर पे भी और इसके बॉडी पे भी, और सर पे मैं इसका एक यही तेल यूज़ करती हूँ, एक बादाम का तेल यूज़ करती हूँ। बादाम का तेल इसलिए यूज़ करती हूँ, अगर मेरे को कल परसों नहीं नहलाना है इसको, अगर सॉरी में ऑयलिंग करनी है तो बादाम का, क्योंकि वो गाढ़ा नहीं होता और बिल्कुल एकदम वो हो जाता है, और सरसों का तेल थोड़ा देर रहता है, इसीलिए मैं मतलब दोनों कभी कभी जो मन करे वो तेल लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ फेस में मैं इसका बेबी फेस जो बेबी फेस क्रीम होती है वो लगा देती हूँ, बट अदरवाइज मैं उसके बॉडी पे और इसके सर पे मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। आप भी कीजिए, गर्मियों में मत कीजिए लेकिन सर्दियों में जरूर कीजिए। गर्मियों में आप लोशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों के बॉडी को चाहिए हमेशा लोशन चाहिए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, बट वो लोशन ठीक है, लेकिन सर्दियों के लिए आपको सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग भी सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो दोस्तों अभी चीकू ने नहा लिया, देखो नहा धो के बैठा है मेरा मेड, मेरा स्मार्ट बच्चा। और इसको ना ठंडा हो रहा है, अब इसके पापा इसकी मैगी के वहाँ अब दादू के कमरे में छोड़ के आए। दादू तो ऑफिस गए हैं ना, दवाई हाँ। आए पापा लेने गए हैं दवाई, ठीक है हाँ। चीकू ने मक्खी रख रखी है उसके अंदर, देखना क्या करो, मजबूरी है,
यहाँ सो रखा देखो चीटी। हाँ और चीटी भी है, मैं खा रही हूँ गाजर। बाहर हट के धूप। ये देखो चीटी का इंग। कुछ कर दो देखो। हाँ देखो चीटी भी है और मक्खी भी है, सब है इसके पास। तो दोस्तों हम सब आज चावल खाने वाले, मम्मी भी चावल खाने वाले, क्योंकि आज बना रही फिर से वही गांव की वाली दाल जो बनाती हूँ मैं, तो इसलिए मम्मी को भी बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी आज चावल ही खाएगी। हाँ और चीकू ने भी इसके अंदर गांव की दाल रखी हुई है। चीकू के बाल देखो, चीकू बेड में बैठा हुआ है और देख रहा है कार्टून, है ना, है ना बेटा, ये देखो। और बस यही है। और फिलहाल 12:30 हो चुका है, अभी महेंद्र आए नहीं है, गए थे किसी काम से। फटाफट पीस लेती हूँ या फिर बनाती हूँ खाना, और चावल मैं चढ़ा दिए हैं, अब फटाफट ये पीस लेती हूँ फिर इसको भी चढ़ा देती हूँ, ताकि हम गरम गरम खा सके, मजा आएगा। आज मम्मी ने नहीं नहाया है इसलिए मम्मी चावल खा रही है। तो माई अभी भी स्ट्रॉबेरी लेके आए, देखो अभी स्ट्रॉबेरी लेके आए, पूरी आधी खत्म कर दी, स्ट्रॉबेरी लवर है ये बहुत बड़ा। और क्या क्या लेके आए हैं ये देखो, फ्रूट लेके आए हैं, बनाना लेके आए हैं, नीचे एप्पल है और अमरूद है, और ये देखिए क्या क्या चाहिए, बनाना। आपने सुबह नहाया है बेटा, बनाना नहीं खाते चाहिए एक। हाँ। आप मंकी हो। हाँ। मंकी खाते है बनाना, मंकी हो आप। हाँ। चलो ठीक है, मंकी है ये। तो मैं जा रही हूँ चाय लेके मम्मी के पास, मम्मी कहाँ छुपी हुई है देखते हैं। क्या कर रहे हो मम्मी यार पता है डुबू के साथ ना, वो भी खाने का मन कर रहा है, झोए आपको मन कर रहा है ना। मैंने जब बोलती हूँ 16 रुपए वाले ले आप, 3 रुपए तो भेज जाएगी ऐसे में थोड़ा बड़ा। हाँ दो तीन थोड़ा बड़ा। हाँ तो ना, हाँ मेरे मम्मी के चटकारे ऐसे हैं, महेंद्र हर काम कर रहे ऑफिस का। तेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, है? एक चुन डिस्टर्ब कर दूं? क्या बोलो? पढ़ाई में डिस्टर्ब कर लूं? नहीं जिससे दही ला दोगे? दही के लाने के लिए तो मैं यहाँ बैठा था। बोले दही लाने के लिए तो मैं यहाँ बैठा था। ये मेरा हीरो है, जो बोलती ले 2 मिनट में ले आते हैं, 2 सेकंड नहीं लगते लाने में, वरना मैं घर नहीं घुसने देती है ना, ऐसा ही होता है। तो ना महीने जा रहे हैं, मैं 15 वाली ले आना, 15 वाली नहीं आती ना, 16-17 की आती है। हाँ ठीक है जो भी है, मेरे बताओ ऐसा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, है? मैं भी ऐसे करते बाल नहीं। चल जाओ जल्दी लाओ दही, थोड़ा झोई बनाती हूँ, क्योंकि ना दोस्तों क्या है ना कि चटकारे मुंह में इतने हैं हम दोनों सास बहू के, कि मतलब हमारे जो महेंद्र है ना, ये इन लोगों को पहले मेरे साल से पहले इन्होंने इतना भटकट ये गांव का खाया ही नहीं होगा जितना ही आपका बेचारे, जितना आप मैं बनाती तो कोई नहीं बनाता होगा, है ना मम्मी पहले। मम्मी और मैं पी रहे चाय, मम्मी चेयर्स चेयर्स। ये देखो हमारी चाय, हम चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे जिसको जो खाना है उखाड़ लो, हम पियेंगे चाय। बोलो मम्मी, जिसको जो खाना है उखाड़ लो, जिसको जो खाना है उखाड़ लो, हम चाय पियेंगे, हम चाय पियेंगे, बस जो खाना उखाड़ लो आपके लिए धमकी है। चाहे 12 बजे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 1 बज रहा है। ये देखो चीकू की डॉगी, दिखा दो अपनी डॉगी। चीकू गंदा गंदा, ये पॉटी देखो, ये पॉटी कर रहा, देखो पॉटी। मेरे चीकू के ना, मेरे चीकू जाओ खेल जाओ। ये ना ये डॉगी वॉगी, तब मुझे बहुत शौक था लाने का, जब मैं नई नई शादी हुई थी ना, सब मैं जितने भी, हाँ ये भी दिखा दो, ये तब मैं सब लेके, तभी मैं ही लेके आई हूँ इनको। 2 मिनट खेलता है उसके बाद तो फिर ये वही करता है। और यहाँ पे देखो मेरे ये बन रहे हैं, कितने अच्छे होते, हरे हरे हो रखे एकदम। मैं बैक कैमरा करती हूँ ना तो कभी इनका कलर मतलब आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख पाता, हमेशा ब्राउन ब्राउन दिखते हैं, लेकिन होते हरे हैं, क्योंकि मैं लोहे के घड़े में बनाती हूँ। देखिए तो अब हम सास बहू का मन हो गया था इसके साथ कड़ी के साथ खाने का, तो मैंने फटाफट उस वाले गैस में ना कड़ी भी रख के आई हूँ। हाँ और चावल बन के रेडी हमारे पहले ही हो चुके थे, अब मैंने वहाँ कड़ी रखी है उसको भी देख के आती हूँ। मम्मी को बोला तो था मैंने देखने के लिए, अब देखती हूँ एक बार कि कड़ी का क्या हाल है। फटाफट बनाया है, फटाफट भूख भी लग रही है।
है ना मम्मी? ये देखो मैंने बनाई है यहाँ पर कढ़ी। मम्मी कढ़ी और डुबो को मजा आता है ना खाने में? क्या बोल रहा बोल रहे जो बड़ा देखिए कड़ी भी हो चुकी है बनके एकदम रेडी। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम हो चुका है 6 बजे का और आप मेरा फेस देख सकते हो कितना लाल हो गया है। देखिए सर्दी जैसी आती है मेरा फेस लाल हो जाता है। इनमें ये एलर्जी है, मतलब एक्चुअली ये एलर्जी है और ये ना बहुत जलन देती है, बहुत जलन। यहाँ पे आपको टेम्परेचर एकदम ठीक लगेगा, यहाँ पर ले जाते ही बहुत गर्म हुआ रहता है स्किन और एकदम सॉफ्ट हो जाती है जो कि आपको दिख भी रही होगी, है ना मम्मी? मेरा लाल रहना बहुत यहाँ पे लाल हरा देखा, ये मेरे को है एलर्जी, मेरे को ये है एलर्जी। और आज रात को हम खाने बना रहे हैं शिमला मिर्च और पनीर, क्योंकि ना यार देवर का भी फास्ट रहता है और हम भी फिर क्या खाएं, रोज़ एक ही सब्जी जाती है जैसे कि आप सुनते ही हो हमेशा। तो इसीलिए मैंने सोचा सबके लिए वही बनाती हूँ, पनीर और शिमला मिर्च, ताकि दूसरी सब्जी बनाने का झंझट ही ना रहे, क्योंकि मेरे ये गर्म हो रखे अगर मैं किचन के सामने ज़्यादा रहती हूँ फिर और ज़्यादा ये मेरे को एलर्जी देते हैं इसलिए। लेकिन दिखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं रेड रेड, बट इसके पीछे जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना मुझे ही पता है। कौन है? मैंने इसने बताइए क्या गुड्डा नाम बोलो इसका, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते गुड्डा बोलो? अच्छा सुशी। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है 10:30 का और अभी होने वाला 10:30 भी हुआ नहीं है और हम लोगों ने सबने खाना खा लिया, पापा लोगों ने भी खा लिया, हम लोगों ने भी खा लिया। हाँ और चीकू की भी मालिश वाली, चीकू की भी तेल वेल लगा दिया है, देखो देखो सोया है ना बोलो। अच्छा और तो देख सकते हो आप, और मैं भी फेस वगैरह सब कुछ वॉश कर लिया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाया है क्योंकि ना बहुत रेड हो गया था, आपको अभी भी दिख रहा होगा रेडनेस। ठीक है बेटा, मम्मा जब बात करती है तो बीच में बात नहीं करते हैं। बोला मम्मा दांत दर्द हो गए मेरे, इतना झूठ बोलता है क्या बताऊँ। हाँ और उसके दांत में, चीकू के दांत में भी दर्द है आप देख लीजिए। तो ना अभी सबने खाना खा लिया है तो यहाँ पे मैं दूध रखा हुआ चीकू के लिए और फिर वो दूध पीगा थोड़ी देर में, और इसलिए मैंने फेस पर वाला कोकोनट ऑयल लगा रखा है क्योंकि मेरा फेस में बहुत जलन कर रहा था, मैं उसको कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं आपके साथ हर रोज़ नया नया ब्लॉग लेके आऊँ, नई नई बातें लेके आऊँ। और तब तक टाटा बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।